नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। द नोबेल प्राइज पीस प्राइज 2019 ये दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अबी अहमद अली जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। चलिए जान लेते हैं शांति के नोबेल प्राइज़ के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं प्रधानमंत्री जो जिन्हें मिला है 2019 का नोबेल पुरस्कार उनके बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार 2019 के बारे में। इस बार जो नोबेल पुरस्कार समिति ने 11 अक्टूबर 2019 को नोबेल का शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। साल 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया जाएगा। इथोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली, उनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि उनके जो देश शत्रु था इरिट्रिया, उसके साथ संघर्ष सुलझाने और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए वे पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ दो दशक से अधिक समय से चले आ रहे संघर्ष को ख़त्म कर दिया है। यानी जो इथोपिया का पड़ोसी देश था इरिट्रिया, उसके साथ शांति व्यवस्था स्थापित करने में इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली का बहुत बड़ा योगदान था, जिस वजह से इनको नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, सबसे कम उम्र का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया था 2014 में मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की थी, उनको 17 वर्ष की उम्र में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगर उम्रदराज व्यक्ति की बात करें तो ब्रिटेन के जोसेफ रोट ब्लाट को जो है शांति पुरस्कार दिया गया था सन 1995 में। इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था 87 यानी कि 87 साल में। तो सबसे कम उम्र की शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली थी मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की थी, और सबसे उम्रदराज विजेता थे जोसेफ रोट ब्लाट जो कि ब्रिटेन के थे, उन्हें 1995 में दिया गया था। शांति का नोबेल अब तक केवल दो भारतीयों को मिला है, सन 1979 में मदर टेरेसा को और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। वहीं अगर बात करें 2018 की, तो कांगो के डेनिस मुकाबे तथा इराक की नादिया मुराद को शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था 2018 में। दोस्तों अब बात करते हैं प्रधानमंत्री अबी अहमद की जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों 2018 में जो है इथोपिया के प्रधानमंत्री बने थे अबी अहमद अली। अबी अहमद ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इथोपिया में बड़े पैमाने पर उदारीकरण की शुरुआत की। उन्होंने हजारों विपक्षी कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा किया, निर्वासित असंतुष्टों को देश में वापस लौटने की इजाज़त दी, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री अहमद अली ने देश के बड़े पैमाने पर आर्थिक व राजनीतिक सुधार किए। प्रधानमंत्री अली अहमद ने इरिट्रिया के जो राष्ट्रपति थे इसाइयास अफेवर्की से शांति समझौता हेतु गंभीरता से प्रयास किया था। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच चले आ रहे विवाद को लगभग ख़त्म किया। इरिट्रिया और इथोपिया के बीच जो है शांति व्यवस्था स्थापित हुई। इसके लिए जो प्रयास इन्होंने किया उसके लिए इनको नोबेल प्राइज 2019 में प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये था शांति का नोबेल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया या वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे या उनका क्या नाम था, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।